नमस्कार, लाइफ ग्रीन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की टीम राजस्थान नोहर से आज मध्य प्रदेश के जिला नीमच के खेतों के अंदर विजिट करने के लिए पहुंची है। तो यहां मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूं हमारे जो किसान भाई हैं, साथ में एमएससी एग्रीकल्चर हैं, तो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं, यहां पूरे क्षेत्र की खेती को देखते हैं, किसानों को जो भी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन भी करवाते हैं। तो इनको हमने हर्बल एग्रो एनर्जी अपना जो नया प्रोडक्ट्स है वो इस्तेमाल करके एक ट्रायल करके रिजल्ट निकालने के लिए हमने जो दिया था, तो उसके बारे में आज इनसे बातचीत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम मजहर पठान जी, मैं जिला नीमच और गांव कुचरोद का रहने वाला हूं जी सर। और हमने आपकी ये इसका लाइफ ग्रीन बायोटेक का हर्बल एग्रो एनर्जी का उपयोग किया था जी। जब अफीम की फसल करीब एक महीने की थी उस समय हमने इसका उपयोग किया था, और उस समय काली मस्ती की शिकायत थी और इसमें मोइला की भी शिकायत थी, और साथ ही साथ इसमें जो है छोटी छोटी इल्ली भी थी। तो इसका सिर्फ इसी का हमने उपयोग किया, और कोई दूसरा जो केमिकल वगैरह का उसका किसी का उपयोग हमने इसके नहीं किया। तो उसके बाद से जो है हमने इसके बाद बहुत अच्छे रिजल्ट हमें इसके मिले काली मस्सी में। अच्छा, इसको छाटने के बाद हमारे इसमें मोइले की शिकायत नहीं रही। इस बार मोइला मारना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मोइला नहीं आया बिल्कुल, जो है मोइले की नहीं रही। काली मस्सी में सिर्फ दो स्प्रे हमने इसके अंदर किए, और अभी इसमें मैं सफ़ेद मस्सी के लिए भी इसी का स्प्रे। आप सफ़ेद मस्सी के लिए भी हर्बल एग्रो एनर्जी आज स्प्रे करवा रहे हैं? जी जी, इसी का स्प्रे करवा रहा हूँ। और इसमें यह है कि इसमें जो इल्लियाँ आ रही हैं उसको भी मुझे लगता है कि ये कंट्रोल कर देगा, क्योंकि पिछली बार भी इसने किया था। जो पीछे आपने जो रिजल्ट इसके देखे हैं जी, और वैसे भी आप तो एमएससी एग्रीकल्चर है, आपको तो सारी नॉलेज भी है इस बात की। तो जैसे किसान भाइयों, जो पठान साहब ने जैसे बताया है कि जैसे एक महीने की जो ये अफीम की फसल थी, तो इस पर इन्होंने हर्बल एग्रो एनर्जी का इस्तेमाल किया 40 ml प्रति स्प्रे टंकी के हिसाब से। तो ये बता रहे हैं कि इसमें मोइले की जो समस्या थी, कुछ इल्लियां भी थी, ये भी कंट्रोल हुई, और इसकी ग्रोथ में और इसके कलर में कोई फर्क आया था? सब ये अभी जब मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ जी, पहले तो बहुत बढ़िया मौसम चल रहा था, जैसे ही मौसम ख़राब हुआ तो ये अब जा करके थोड़ा मामूली पीलापन आया, जबकि चौथी चीर इसमें उतर रही है। पूरा पौधा हरा था जी, कोई दूसरे केमिकल का उपयोग मैंने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया है, और पूरा पौधा हरा था। अब ये चौथी चीर उतरने के बाद में थोड़ा पौधों में मामूली पीलापन आ रहा है, जो कि इसकी मतलब लाइफ साइकिल के हिसाब से सही है, वो ठीक है, अब तो आना ही है। और एक और इसमें ये है कि जो डोड़ा बड़ा करने की और अफीम लाने की जो कई तरह की दवाएं देते हैं डालते हैं, इसने वो काम भी किया है। अच्छा, वो काम भी किया है, इसकी क्वालिटी और उसका वजन बढ़ाने वाला काम, जो उसके लिए जो तरह तरह की और दवाइयां जो डालते हैं उसकी जगह इन्होंने सिर्फ इसका उपयोग हर्बल एग्रो एनर्जी का उपयोग किया है, और डोज वही रहा 40 ml टंकी का, इससे ज्यादा नहीं करा, 40 ml टंकी का। तो डोड़ो की साइज भी बढ़िया हो गई, और जो दूसरी डोड़ियां जो आई हैं, फुटाव नया आया है, उससे भी मैं बहुत संतुष्ट। आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट। इसका मतलब ये है कि पठान साहब, जैसे आपने बताया है कि हर्बल एग्रो एनर्जी ने अफीम की फसल के अंदर अपने अच्छे परिणाम दिए हैं, बहुत बढ़िया परिणाम। तो अन्य जो पूरे देश भर के जो किसान भाई आपको जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप अन्य किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस हर्बल एग्रो एनर्जी के बारे में? ये हमारे यहाँ पे अफीम की फसल सबसे ज्यादा नाजुक फसल होती है, कोई हम प्रयोग इस पे नया नहीं करते हैं, जो चला आ रहा है उसी का हम उपयोग करते हैं, लेकिन थोड़ा लिंग से हटके और हमने इसका उपयोग किया तो इसका हमें रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला। जब अफीम जैसी फसल में अगर इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो मुझे लगता है कि दूसरी जो भी फसलें हैं, कपास हो गई या दलहनी फसलें हो गई या धान की या जो भी फसलें हैं, वेजिटेबल आपकी सब्जियां वगैरह हो गई, तो इसका रिजल्ट बिल्कुल श्योर आना चाहिए। अभी मैं इसका उपयोग कुकुरबिटेसी अपनी कद्दू और की फसलों में करवाने की मैं हूँ, मतलब अब मैं इसमें करूँगा, और खासकर तरबूज के अंदर, तो उसमें मैं रिजल्ट इसका लूँगा। मुझे आशा है कि जैसा रिजल्ट इसमें आया है जी, वैसे ही मुझे उसमें मिलेगा। उसमें मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये जो अफीम की फसल के अंदर जो पठान साहब ने जो रिजल्ट आपको बताए हैं, उसी तरह से हर्बल एग्रो एनर्जी जो है उसको भूमि से निकलने वाली किसी भी तरह के पौधे, सब्जियां, फ्रूट और अनाज, दाल,
जो हर तरह के पशु चारे के अंदर इस्तेमाल करके आप इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे आगे इसकी जी आगे।